सुमित ने कहा कि तुम मेरी बीवी से कभी आगे नहीं निकल पाओगी, सुंदरता की देवी से तुम कभी भी आगे नहीं निकल पाओगी। मतलब जब एक हस्बैंड को ही अपनी भाभी से जलन है, वो बराबरी करवा रहा है अपने भाभी के कि मेरी बीवी ऊंची है, मेरी बीवी, जब खुद ही उसके दिमाग में ये चीज है और वो सोशल मीडिया पे भी वही चीज आके बोल रहा है, इससे क्या हमारी ऑडियंस को बातें समझ में नहीं आ रही कि बुरा कौन है और भला कौन है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल अंकिता ट्रुथ रिएक्शन। यहाँ पे हम आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। तो भाई महजरा कुछ इस तरह से था कि जो कामिनी है उन्होंने बताया कि मैं अपने भाई की शादी में गई थी और मैं स्टेज पे चढ़ गई थी, है ना, स्टेज पे चढ़ी थी क्योंकि मुझे मेरे भाई ने जिम्मेदारी दी थी कि कोई भी आए उसे स्टेज पे मत आने देना, मत चढ़ने देना। बस इतना ही वो चढ़ी और इतना ही खड़ी थी कि वहां पे जो उनकी देवरानी थी सुंदरता की देवी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई कि वो स्टेज पे खड़ी है, मैं क्यों नहीं खड़ी हूं। मतलब बता रही थी कामिनी कि मेरी सासू माँ ने बोला कि वहां से उतर जाओ उतर जाओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा बोल रही है। उन्होंने बोला मैं तो यहीं रहना है, मेरे को मना किया गया उतरने को, और वहां पे ड्रामा चल रहा था। मतलब आप लोग यहाँ पे देख लिए बातों में कितनी दुगलई है कि जो सुमित कह रहे हैं कि मेरी बीवी से कामिनी जलती है, और जलन कहाँ दिख रही है आप ये देखो कि सुंदरता की देवी को कहना था कि वो स्टेज पे चढ़ी है, मैं क्यों नहीं चढ़ रही हूं। मतलब पूरी दुनिया स्टेज पे नहीं थी, सिर्फ वही खड़ी है वहां पे, क्यों खड़ी थी कम से कम ये वजह आप जान लेती। और वैसे भी वो स्टेज पे खड़ी हो गई तो उसका क्या चला गया, उसका मायका था, उसका भाई था, वो स्टेज पे खड़ी थी तो उसके मायके में आके आप उसकी बराबरी कर रहे हो, ये करेगी वो जो वो मैं भी करूंगी। मतलब इस तरीके का कंपटीशन रखा जाता था, मतलब मैं हमेशा कामिनी से ऊपर रहूंगी पर नीचे नहीं रहूंगी। और यही सोच सुमित की भी है, जो सो कॉल्ड कामिनी के देवर है उनकी भी यही सोच है कि मेरी बीवी ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आने दूंगा उसको। तभी तो ये बातें कही जा रही है कि तुम मेरी बीवी की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगी आप। और बातों बातों में इतनी बद्दुआएं कामिनी को दी गई है, मतलब एक देवर इस तरीके की बद्दुआएं दे रहा है अपनी भाभी को, जो सच बोलता है वो बद्दुआ नहीं देता। हमने कामिनी की वीडियो में तो एक बार भी नहीं देखा कि उसने बद्दुआएं देके कोई बात बोली, और तो और हमने कामिनी के वीडियो में ये तक देखा कि कामिनी ने सिर्फ अपनी बात की कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, है ना। लेकिन जो वीडियो आया कामिनी के विपक्ष वालों का बोलने के लिए, उन्होंने सिर्फ कामिनी के बारे में बात की, अपनी बात नहीं करी। आपने अभी तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि आपकी बीवी 2 महीने मायके क्यों गई थी, आपने इस बात को झुठलाया। आपने एक आधे घंटे टर्न ऑफ कमेंट को 20-25 सेकंड का टर्न ऑफ करके जनता को भी मूर्ख बना दिया, जनता के साथ भी झूठ बोला, छल किया। तो क्या आपने परिवार के साथ आप नहीं छल करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। आपने हर एक बातों का झूठा परचम लहराया आके, और साफ साफ आपकी बातों में ये झलक रहा था कि कितना ज्यादा आपने भेदभाव करा है। एक दहेज लेकर आई है, एक दहेज नहीं लेकर आई है, इसलिए हम ऐसा भेदभाव करेंगे। कामिनी ने बताया कि उसके लिए सिर्फ स्टेज पे सुंदरता की देवी नहीं गई, इसीलिए उनके पति ने कामिनी के छोटे भाई पे कॉलर पकड़ लिया उनका, है ना। और जब वो बोल रहा था उनका छोटा भाई कुछ कहा, तो ऊपर से जो सुंदरता की देवी है उनके साथ कोई और था, वो और उस पर चढ़ रहे थे। मतलब इस तरीके की हरकतें की गई, इतनी भद्दी हरकतें की गई, और कहने वाला इंसान कह रहा है सामने वाला कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मैंने ये सब बोला ही नहीं था। अरे जब तुम सामने आके कह सकते हो पूरी सोशल मीडिया पे कि मर्दानगी दिखाता हूं, तो क्या ये बातें झूठ रही होंगी? आप डिसाइड करिए कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। जो इंसान अपने वर्ड को रिजर्व रख रहा है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या वो इंसान वहां पे कुछ बोला नहीं होगा? क्या उस इंसान ने वहां पे गलत बर्दाश्त किया होगा? ये सारी बातें मैनिपुलेशन की है, जो कि ऑडियंस को समझ में आराम से आ रही है। मतलब कामिनी ने जो अपने साथ होने की चीजें बताई वो बड़ी बड़ी बताई, लेकिन कामिनी के लिए जो वीडियो आया था बोलने के लिए, वो इतनी छोटी 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 बातें थी जो कामिनी के लिए बोली जा रही थी, इतनी चीप चीप सी बातें बोली जा रही थी, है ना। कहा गया कि कामिनी जो है, मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप बोलिए। आप जो जीजा जीजा कह रही हैं कि आपका भाई मुझे कभी जीजा बोलता था,
तो आपको जीजा बोलने के लिए आप जीजा कहलाने लायक भी तो होने चाहिए, आपकी हरकतें भी तो वैसी होनी चाहिए। अगर आप बार बार एक ही चीज को करेंगे, वहां जाके गाली गलौज दुनिया जहान की मारपीट करेंगे, तो सबका दिल दुखता है, सबका दिल टूटता है, आपको जीजा कौन बोलेगा? अगर वो नहीं भी बोला होगा तो उसकी बात मैं कर रही हूँ। देवर जी का ये भी कहना था कामिनी के कि मैंने आपके लिए मिंत्रा से इतने सारे कपड़े, इतने सारे ड्रेसेस मंगाए थे, मेरे पास आज भी वो सारे ऑर्डर्स हैं। मेरी बीवी नहीं थी, मेरी माँ वैसे ड्रेसेस नहीं पहनती थी, तो मैं किसके लिए मंगाता था? तो देवर जी ने अपने छोटे छोटे से एहसानों को भी गिनवा दिया। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ड्रेसेस मंगाने के बदले क्या आपकी भाभी ने भी आपको कुछ किया नहीं होगा? क्या उसने गिनवाया सोशल मीडिया पे आके? वो भी इतना सारा काम करती है, इतना सेवा करती है, क्या वो अपना एक एक सेवा आके सोशल मीडिया पे गिनवाई? आपने तो उसके लिए खरीदने ड्रेसेस तक गिनवा दिया। मतलब वेरी एब्सर्ड कि आपके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो आपने कुछ छोटी छोटी बातें बता दी और कुछ बातों को झुठला दिया। कामिनी ने तो अपना एक एहसान नहीं गिनाया, इनफैक्ट कामिनी ने ये बताया कि जब सुंदरता की देवी प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो उनको हर टाइम पे हॉस्पिटल लेकर कामिनी गई है, लेकिन ब्लॉग्स में सुंदरता की देवी ने बोला है कि सासू माँ मुझे लेकर गई है। आप खुद सोचिए कि कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को। कामिनी ने ये तक कहा कि मैं अपना एहसान नहीं गिनवा रही हूं, लेकिन झूठ क्यों बोला? अगर इस चीज को बोलना ही था तो झूठ क्यों बोला? मेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं लेकर गई थी, और नहीं तो आप बोलते ही नहीं। मतलब इस तरीके की लैंग्वेजेस, इस तरीके का झूठ, अब आप खुद ही डिसाइड करिए। झूठ तो बोला होगा, क्योंकि सुंदरता की देवी सामने से कितना सारा झूठ बोल गई सोशल मीडिया पे हम लोगों को, तो ये तो अब हमें विश्वास हो ही रहा है ना कि सुंदरता की देवी, तो अब ये विश्वास है कि सुंदरता की देवी ने झूठ बिल्कुल बोला होगा। तो मतलब इस तरीके की बातें, झूठ दुनिया के सामने अगर कोई कर रहा है आपको, उसका पुण्य गिनवाने की बजाय आप उसको डिफेम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, पोक करते हो बार बार, चोरी चोरी से उसके वीडियोस बना के दिखा देते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों? आपको खुद को अच्छा दिखाना है। इसलिए अगर वो औरत आके सामने नहीं गई होती कोई बातें, तो आज तो कुछ पता भी नहीं चलता, मतलब मुझे ऐसे रखा गया था। आज कामिनी ने सामने आके ये सारी बातें बोली, तो क्यों बोली? क्योंकि आज उनके पति ने उनको खुल के सपोर्ट किया। कल दिन को कामिनी ये सारी बातें चुप रहती थी घर में, कांप कर रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि कामिनी के पास अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं था। कामिनी के पास, जैसे बोला था ना कामिनी ने जोश टॉक में, कि लोगों ने एहसान गिनवाया कि हम नहीं करते तो इनके तन पे कपड़े तक नहीं होते। तो शायद यही कुछ बातें रही थी कि कामिनी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थी, जिस वजह से वो इतने सारे क्या बोलते हैं हैरेशमेंट्स को बर्दाश्त कर रही थी, डोमेस्टिक वॉयलेंस को बर्दाश्त कर रही थी अब तक, और कुछ भी बोल नहीं रही थी। लेकिन आज वो हिम्मत जुटाई है। मैं मानना चाहूंगी भाई, आई कैन बिलीव कि शी इज वेरी ब्रेव गर्ल। इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है किसी में बर्दाश्त करने की, वो सामने आई हैं, बर्दाश्त की हैं सारी बातें, और बहुत कुछ बर्दाश्त किया उस औरत ने। लेकिन आज भगवान ने उनके समय को पलटा है, उन्हें भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। आज उनके हस्बैंड ने भी आके उनका सपोर्ट दिया है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी, इतनी सारे चीजें हुई, अगर उनके हस्बैंड ने सपोर्ट लिया होता तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन गलती ये होती है बड़े भाई के साथ कि बड़ा भाई थोड़ा सा परिवार को देखने में और चीजों को देखने में ना वैसे ही रह जाता है। और इनके हस्बैंड की एक झूठ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। इनके हस्बैंड ने बोला कि वहां पे भाई की शादी में, यानी सार की शादी में, इतने लड़ाई झगड़े हो गए, मैं चुप इसलिए था क्योंकि वो भी मेरा है ये भी मेरा है, इसीलिए मैं चुप था। तो ये आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मन में ये चीजें डाली गई थी कि जो ले दे के नहीं आया है उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है, वो जो गरीब घर से है उसके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। शायद इसलिए आपने कामिनी का स्टैंड नहीं लिया और अपने भाई के खिलाफ आपने बोला नहीं। तो ये बातें आप खुलकर सोशल मीडिया पे बताइए, इससे भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये बहुत आम बातें हैं जो हर जगह हमने देखी है ना, लेकिन इस तरह की मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो जाए।